गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोग मस्त हो गए एकदम। तो अभी ऐसा लग रहा होगा ना, थोड़ा नए जगह पे बैठा हूँ। हाँ तो भाई साहब, मैं पहली बार यूक्रेन की ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, अकेला हूँ। और बाकी लोग यूक्रेनियन हैं, अब यहाँ पर वो लोग अभी पास में कुछ ठूस रहे हैं, पहले उनको यही है। तो अभी बहुत ही बढ़िया है यार, एक नंबर मस्त कंपार्टमेंट। पहले मैं आपको कंपार्टमेंट दिखाता हूँ, इसके पहले मैं सोच रहा था कि दिखा दूँ, पर ये लोग बात कर रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये कहीं चले जाएँ, क्योंकि इनका क्या है, ये लोग पहले जैसे ही आते हैं ना कहीं भी, तो सबसे पहले ये लोग चेंज वगैरह करते हैं। तो ये आसपास में जो भी इनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनके कोच में जाकर उन्होंने उनके ट्रायल वगैरह चेंज कर लिया है पूरा बढ़िया। तो अभी वो लोग खा रहे हैं, तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कोच कैसा है। कुछ अपने मतलब फर्स्ट क्लास एसी वाला जो रहता है, कुछ उस तरह ही रहता है नीचे का ऐसा। और यहाँ ये बढ़िया थोड़ा ये नीचे स्टोरेज का है। ओके, और अपनी ये वाली ये अपनी रखी हुई, और हमको यहाँ बैठना है बढ़िया ऊपर। और ये ऐसा कंपार्टमेंट बढ़िया मस्त क्लोज हो जाता है, तो शानदार चीज़ है क्या है पूरी है। एक ऊपर बढ़िया है, एक नीचे, तो मतलब एक कंपार्टमेंट में चार लोग होते हैं टोटल। मस्त, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो बताया आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी 258 मतलब 258 पे ट्रेन चली, बढ़िया सेकेंड क्लास ही है, मस्त एक नंबर। अभी अपने बेडशीट वगैरह सब कुछ मिल रखी है, और दो तीन बार कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री, और कुछ खाने का लेके आया हूँ मैं डेफिनेटली, है ना। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि भाई वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये मतलब अपने ये वाला व्लॉग पूरा सीरीज वाला होगा, क्योंकि आगे और भी वीडियो बनेगी। अब एक बार एक ही वीडियो अपन कोई 10 मिनट की मतलब 20 मिनट 1 घंटा ऐसा तो डाल नहीं सकते, तो टुकड़े में डालेंगे ऑब्वियसली, तो थोड़ी बड़ी होगी पर डेफिनेटली मज़ा आएगा बहुत। कुछ पूड़ी और सब्जी परम मित्र सृष्टि जी ने बना के दिए। आपने पुराना वीडियो अगर हमारे व्लॉग्स देखे होंगे डेफिनेटली, तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर मतलब यही सॉफ्ट कॉपी में ही मेरा टिकट था पूरा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है क्या? हाँ दिखा, यस। तो इसमें था अपना, बढ़िया ये हो गया अभी फ़िलहाल में। और बाकी अभी ट्रेन चल रही है मस्त, अंदर कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, बढ़िया एकदम। गर्म बहुत हो रखा है यार, क्योंकि बाहर ठंडी है, तो डेफिनेटली वो हीटर वगैरह चालू है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मेरे को उतना मतलब हीटर पसंद नहीं है, पर अब अपने पसंद से क्या होता है। तो ठीक है, जैसा भी होता है बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाते रहूँगा मस्त। तो कल सुबह मैं वैसे पहुँचूँगा करीब 9:30 उस गोरख, ठीक है। उसके बाद में आगे की बाकी बातें बाद में बताऊँगा मैं आपको जैसे ही पहुँचेंगे, ठीक है। तो कुछ खा लेते हैं, मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि पूरा सामान वगैरह सब कुछ पैक करा था मैंने, तो कुछ खा लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्लीज़ दबाना, ताकि अभी अपन क्या फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कब मेरा व्लॉग आने वाला है ना। तो बढ़िया, बेल आइकन को मस्त एकदम करो, और खाना खाते हैं फिर बाकी कुछ दिखाते हैं। मैं आपको पहले इसकी यहाँ की गैलरी दिखाता हूँ फिर खाना खाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले लॉक खोलते हैं। कुछ इस तरह है, गैलरी टाइप कुछ थोड़ी बढ़िया सी, जैसे बैठना है तो वीडियो मस्त, इधर ये भी वैसा पढ़ूँ वैसा रहूँ। ये कितना सुंदर लग रहा है, टेम्परेचर कुछ हो रखा है अभी -6 अराउंड। तो ये हम ओडेसा के आउटर पे आ चुके हैं, बढ़िया मस्त लग रहा है, पर्दे पर्दे लगे हुए बेहतरीन, बाहर से कुछ अपना कंपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है बढ़िया है नहीं। थोड़ी देर में नेटवर्क भी चले आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार इसमें लाइट का नहीं है, मतलब चार्जिंग का कनेक्शन नहीं है, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। पर हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी पावर बैंक वगैरह लाया हूँ मैं, और कैमरे में जितनी बैटरी है उतनी चल जाएगी, उसके आगे की जो ट्रेन मिलेगी फिर वहाँ से चार्ज वगैरह कर लेंगे, ठीक है। 10 बार ठीक है बोल दिया, पर मैं रख नहीं रहा हूँ, खाना खाते हैं यार, अब क्या मतलब चल रहा है, खा ही रहा हूँ अपना, ठीक है। अरे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपने नोटिस करा होगा कि इतनी क्लीन एकदम झकास एकदम बहुत ही ज़्यादा साफ। एक्चुअली हमारे यहाँ की भी ट्रेन भी साफ रहती है, पर हम लोगों को क्या है, हर जगह गंदगी फैलानी है, कुछ चीज़ साफ रखना नहीं है, जिधर देखो उधर गुटखा खा के थूक दो सिगरेट पी लो। यहाँ पर वही सख्त मना है कि सिगरेट पीना मना है, हमारे वहाँ भी मना है, हर चीज़ का सिंबल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, पर हमको समझना नहीं है। देखो मैं दिखा, अब ये लगा है ना, तो हम मानते हैं समझते हैं, यूक्रेन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन
सिगरेट पीते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं, पर समझते हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग भी थोड़ा ध्यान रखें भाई, अपनी ट्रेन वगैरह साफ रखें। कितनी शानदार लग रही है, ऐसा साफ रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, साफ करके देते हैं, पर हम लोग जो भी खा रहे हैं वही नीचे फेंक रहे हैं, ये वो, तो गंदगी मचा देते हैं पूरी। वॉशरूम वगैरह भी एक नंबर क्लीन है। अब वो उसका फ़ोटो मैं नहीं दिखाने वाला आपको, सच में उसका क्या दिखाऊंगा यार, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर इंडियन ट्रेन्स में ट्रैवल करना है तो ध्यान रखना है कि हमको कुछ गंदगी नहीं मचानी है, ठीक है। ये सही है यार, मतलब यहाँ पर गर्माहट के लिए मतलब इन लोगों ने ये लगा रखा है। मेरी तो सुबह हो गई है अभी यार, मेरे को क्या ज़्यादा नींद नहीं आती मतलब सफ़र में, ऐसा टेंशन होता है घर पर कि कोई मेरा बैग तो नहीं चूर रहा, कोई मेरा कुछ कर तो नहीं रहा, ऐसा करके क्या मेरी आवाज़ मोटी लग रही है क्या? सो के उठाऊँ यार, क्या ज़्यादा सो नहीं पाया, पर सोया थोड़ी देर, और अब मैं उल्लू पे जैसे बैठा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि काम। सबसे अच्छी बात ये थी, मैंने जैसे बोला कि यार क्या बोलते हैं चार्जिंग का स्लॉट नहीं मिल रहा है ऐसा वैसा, पर ये जो कॉरिडोर है जिसमें मैं बैठा हूँ इसमें चार्जिंग का स्लॉट है, तो अपना काम हो गया है मस्त। अभी पावर बैंक चार्ज हो रहा है। दिक्कत ये है यार, पानी नहीं है इनके पास में, सालों के पास में ये गैस वाला पानी होता है जिसको बोलते हैं गैस वादा। वो लाइट भी बंद कर दी आंटी ने, कोई बात नहीं दिख रहे हैं फिर भी अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और इसके पहले अभी लिविव स्टेशन पर रुकी थी ट्रेन, 30-35 मिनट रुकी, वो इतनी गर्मी हो रखी है भाई साहब क्या बताएं। उधर भट्टी जला रखी है ना, मैंने दिखाया आपको जैसे भट्टी जला रखी है उन लोगों ने, उसके थ्रू ये लोग हीटर काम करता है इनका, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी की समस्या है यार, पानी नहीं मिल रहा है।